हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो हम शिक्षा मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती 2013 में इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है? भौतिक पर्यावरण का अनुभव, संयोजन, जैविक परिपक्वता, सामाजिक पर्यावरण का अनुभव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, संयोजन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अनिवार्य कारक संयोजन नहीं है। भौतिक पर्यावरण का अनुभव, जैविक परिपक्वता, सामाजिक पर्यावरण का अनुभव, ये सब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अनिवार्य कारक है। दो नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीक थर्ड को जिस नाम से भी जाना जाता है वह है ऑप्शन ए, प्रणाली विश्लेषण, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, प्रणाली विश्लेषण। शैक्षिक तकनीक थर्ड को प्रणाली विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। हार्डवेयर उपागम को शैक्षिक तकनीक फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, इसे कठोर उपागम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर उपागम को शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जाना जाता है, इसे कोमल उपागम भी कह सकते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का माध्यम नहीं है? आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन पर किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करेंगे। यदि आप इस क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके दे सकते हो। चार नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन से अपने वे समूह का एक सक्रिय सदस्य, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मैत्री संबंधों में भारी कमी, विशिष्ट रुचियों में विस्तार। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मैत्री संबंधों में भारी कमी किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है। पांच नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं ऑप्शन पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए, चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, विलियम वुंट पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जाने जाते हैं। छह नंबर क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण मॉडल को विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया है, यह कथन मॉडल विकसित करने वाले का है, जिनका नाम है वाल्टर मुनरो, डेविड आसुबेल, जीडी बोज, जेपी गुलफोर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है डेविड आसुबेल। डेविड आसुबेल ने अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण मॉडल को प्रतिपादित किया था और ये कथन भी इन्हीं का ही है, डेविड आसुबेल का। सात नंबर क्वेश्चन है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करना है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। आठ नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन दिव्या सर्पण के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन दिव्या सर्पण अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है, बी यह कहानियों और कविताएं लिखने में मदद करते हैं, सी ये कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणित हो जाते हैं, ऑप्शन डी ये कभी भी हानिकारक नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ये कभी भी हानिकारक नहीं होता है, यह कथन दिव्य सौपन के संदर्भ में सही नहीं है। नौ नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम जिन्होंने किया था वह है, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम ब्राइमर ने किया था, अतः इस क्वेश्चन का आंसर है
ऑप्शन सी ब्राइमर ने शैक्षिक तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 10 नंबर क्वेश्चन, बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए उसकी ऑप्शन से शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता, दोनों एक और दो, इनमें से किसी की भी नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी दोनों की, शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता की जांच एक बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को करनी आवश्यक है। 11 नंबर प्रश्न, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। ऑप्शन प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन, कुछ नहीं कह सकते। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी प्रभावहीन, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को प्रभावहीन बनाता है। 12 नंबर प्रश्न, शिक्षा तकनीकी का आविर्भाव जिन से हुआ है। शिक्षा तकनीकी का आविर्भाव भौतिकी और इंजीनियरिंग से हुआ है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी भौतिकी और इंजीनियरिंग से शिक्षा तकनीकी का आविर्भाव हुआ है। 13 नंबर प्रश्न, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, किसी व्यक्ति का अधिगम जीवन पर्यंत होता है, उसके जीवन काल में होता है, उसके संपूर्ण जीवन काल में होता है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी जीवन पर्यंत। 14 नंबर क्वेश्चन, बालक के शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है, रुचियां, कार्य, व्यवहार, इन सभी को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी इन सभी को। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है। आनंद, चिंता, आशा, उपलब्धि। चिंता जो है वो नकारात्मक संवेग है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, के मैककिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो बच्चे अपने को समाज की विभिन्न और बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, वे जिस वर्ग से संबंधित होते हैं, प्रत्याहार वर्ग, अनिश्चित वर्ग, अनुरूपता वर्ग, सावधान वर्ग। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी अनुरूपता वर्ग। ऐसे बच्चे अनुरूपता वर्ग से संबंधित होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100 है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। 18 नंबर क्वेश्चन, कारक जो व्यवहार में स्थाई और अस्थाई के बीच का परिवर्तन लाता है। ऑप्शन मानसिक थकावट, बीमारी, परिपक्वता, प्रशिक्षण। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी प्रशिक्षण। प्रशिक्षण ऐसा कारक है जो व्यवहार में स्थाई और अस्थाई के बीच का परिवर्तन लाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। ऑप्शन रुकावट दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, उदात्तीकरण, दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी उदात्तीकरण। उदात्तीकरण तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। रुकावट दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, ये सब तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। 20 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी शिक्षार्थी। शिक्षार्थी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिक्षार्थी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है। ऑप्शन तैयारी का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, बहुप्रतिक्रिया का नियम। थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया है जो कि अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। थार्नडाइक के नियम, थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दो तरह के नियम दिए हैं, जिनमें से फर्स्ट है मुख्य नियम और सेकंड है गौण नियम। फर्स्ट नियमों में निम्न शामिल है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। गौण नियमों में निम्न शामिल है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। ये सब नियम थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिए थे। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन, उसे अपने विद्यार्थियों की प्रकृति की समझ होनी चाहिए। ऑप्शन बी, मनोविज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की प्रकृति को समझने में मदद करता है। ऑप्शन सी है, शिक्षक को बच्चों की रुचियों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी, मनोविज्ञान शिक्षक तथ्यों और सिद्धांतों का एक भंडार उपलब्ध कराता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षक को बच्चों की रुचियों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, यह कथन असत्य है। 23 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक तकनीकी में अदा सामान्यतः देता है। ऑप्शन शिक्षक, विद्यार्थी, कंप्यूटर, टेलीविजन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षक। शैक्षिक तकनीकी में अदा सामान्यतः शिक्षक देता है। 24 नंबर क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी उपागम है। प्रस्तुतीकरण, पर्यावरणीय परिपक्वता, सरल से कठिन। आरपीसी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, अतः इस क्वेश्चन पर हम किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करेंगे। आप इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बताना या जानकारी देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, जानकारी दे सकते हो। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक पहाड़े सीख कर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है? ऑप्शन, मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से शारीरिक, मानसिक से मानसिक, शारीरिक से मानसिक। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मानसिक से मानसिक। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? ऑप्शन, मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, राजनीति, मंदबुद्धिता। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, राजनीति। राजनीति बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, भूख। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य है। आरपीसी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण, अधिगम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत समानताएं, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। दोस्तों, एक क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि आरपीसी ने जो पेपर साइट पर अपलोड किया था उसमें वह क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसलिए उस क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल नहीं किया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।